ओम शांति। मैं हूँ सतनाम कौर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की मूल्य चिंतन में। आज से हम हमारे अव्यक्त मूल्य की स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रही हैं मुंबई से रितु बहन। रितु बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति। आज अव्यक्त मूल्य अपन स्टडी करने वाले हैं, तो सबसे पहला पॉइंट जो बाबा ने कहा है कि बाप समान बनना है, और ऐसी कुछ बातें बताई हैं कि जैसे बाप है वैसे ही बाप के बच्चे हैं। तो इस चीज को थोड़ा इसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं कि बाबा ऐसे कौन से रूप की, कौन से रंग की, कौन से कर्तव्य की बात कर रहे हैं जो बाबा के भी हैं और बच्चों के भी हैं। जी बिल्कुल। जैसे अगर हम आज की मुरली देखें, बाबा ने कहा बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले अर्थात बाप समान बनने वाले। अगर हम इस एक ही पॉइंट को बहुत गहराई से समझ लें तो जैसे कोई नया रास्ता हमें ढूंढना हो तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, राइट? हमें सोचना पड़ता है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, लेकिन ऑलरेडी कोई है जो उस रास्ते पे चले हुए हैं और हमें उनके साथ चलना है तो इट इज़ मच मोर ईजियर टू यू नो वॉक दैट पाथ। तो इसलिए सबसे पहले तो बाबा ने कहा बाप के कदम पर कदम रखना। इसी के साथ बाबा ने चार बातें बहुत सुंदर बताई जो हमें बाप समान किन बातों में बनना है। सबसे पहले बाबा ने कहा नाम, जो बाबा का नाम वही हम बच्चों का नाम, जो है विश्व कल्याणकारी। दूसरा बाबा ने कहा रूप, रूप में बाबा ने कहा जो रूप बाबा का और जो गुण बाबा के, मीनिंग आत्मा का स्वरूप और आत्मा के गुण, वो बाबा ने कहा कि बाबा का और बच्चों का हमारा सेम। और तीसरा बाबा ने कहा कार्य, कार्य जो बाप का वही हमारा, और लक्ष्य भी जो बाबा का वही हमारा। अगर हम इन बातों को समझें तो जैसे ना सारे दिन में ये चारों बातें हमें हमेशा ही रहती हैं स्मृति में, तो नाम, रूप, कार्य, लक्ष्य, ये सारा ही दिन रहते हैं। जैसे अगर फिजिकल अवेयरनेस की भी बात करें तो मेरा नाम जो होगा, मेरा कार्य होगा, लक्ष्य होगा, ये सारा मुझे सारा दिन रहती है अवेयरनेस, मुझे लानी नहीं पड़ती है। लेकिन अब जो बाबा कह रहे हैं वो है उस अवेयरनेस को क्रिएट करना जहाँ पे फिजिकल से बियॉन्ड, अवेयरनेस तो वही है, चारों बातें भी वही है, बस उसको फिजिकल से हमें लेकर जाना है टूवर्ड सोल, मेरी ओरिजिनल अवेयरनेस की तरफ। तो वो बाबा कहते हैं कि हमें बाप समान बनना है इन चारों बातों में। तो बस वो शिफ्ट क्या है फ्रॉम फिजिकल अवेयरनेस टू सोल अवेयरनेस। राइट। बहुत सारी बातें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में आती हैं, तो वो जो बातें आती हैं उनको सेकंड में क्रॉस करने का एक तरीका बाबा ने आज इसने बताया मुरली में, तो वो हम कैसे उन बातों को एक सेकंड में क्रॉस कर सकते हैं? हाँ जी, जैसे ना हम गाड़ी में ट्रेवल करते हैं तो क्या होता है, कभी स्पीड ब्रेकर आते हैं तो हमारी गाड़ी थोड़ी ऊपर नीचे होती है, लेकिन वही हम जब फ्लाइट में जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आता है, राइट? उसके अलावा फिर क्या होता है, कई बार ऐसे भी होता है कि बहुत बादल होते हैं, बारिश का मौसम होता है तो बहुत बादल होते हैं, तो वो जो पायलट होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो प्लेन को है और ऊंचा लेकर चले जाते हैं, और तेज और ऊंचा ले जाते हैं, और फिर सारे बादल, कई बार हमने देखा होगा ना, बादल नीचे दिखाई देते हैं, जो प्लेन है वो ऊपर दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं बाबा भी ऐसे ही हमें बता रहे हैं कि इन बातों से जितना ऊपर, जितनी तेज, देखो गाड़ी में हमें क्यों इतने बम्प लग रहे हैं, क्योंकि वो स्पीड नहीं है, जमीन पर है, लेकिन हम जैसे ही ऊपर गए और तेजी से गए तो क्या हो गया, ये सारी बातें जो यू नो है वो कहीं ना कहीं फिर जो है वो हम क्रॉस कर पाएंगे बिना किसी हर्डल के। बहुत सुंदर रितु बहन। आज का अगर वरदान देखें तो अभी इसका एंड अपन आज के वरदान से ही करते हैं। बहुत सुंदर वरदान बाबा ने बताया था, उसके ऊपर थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि हद का फर्ज मोह के फर्ज के रूप में कब परिवर्तित हो जाता है। जी देखिए, जैसे ही ना हम इस लाइफ टाइम की अवेयरनेस में आते हैं, जैसे मेरा जो ये यू नो दिस बॉडी, इस बॉडी से रिलेटेड हर चीज़, चाहे रिश्ते हों, चाहे हमारा रोल हो, जैसे हम इस अवेयरनेस में आ जाते हैं तो क्या होता है, एक मेरापन आ जाता है, ये मेरे हैं, ये मेरा है। और क्योंकि फिजिकल में हर चीज़ जो है वो विनाशी है, जैसे बॉडी विनाशी है वैसे फिजिकल हर चीज़ विनाशी है, तो कहीं ना कहीं उसको होल्ड करने की जो विलिंगनेस रहती है वो ज़्यादा रहती है, राइट? लेकिन जैसे ही हम फिजिकल के बियॉन्ड जाते हैं, बाबा कहते हैं बेहद में जैसे ही जाते हैं, वो ऊंची स्थिति में हम जाते हैं, मीनिंग आत्मिक स्थिति में, है ना? तो हम बॉडी से बियॉन्ड गए,
तो हमने सोल की अवेयरनेस क्रिएट करी, फिर सोल की अवेयरनेस में हमें वो मेरापन नहीं रहता, हद का मेरापन नहीं रहता, फिर क्या होता है बेहद का जो है, मैं आत्मा और मेरा जो यू नो मेरे गुण मेरा रोल वो एक बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव ले लेता है, हद में नहीं रहता, फिर वो बेहद हो जाता है। बेहद मीनिंग पूरा जो हमारा मुझ आत्मा की जो जर्नी रही है 5000 वर्ष की जर्नी, वहाँ पे कितने ऐसे रिश्तों को हमने एक्वायर किया लेकिन फिर अपनी जर्नी में आगे भी बढ़े, हमने कितने साधनों को एक्वायर किया लेकिन फिर आगे भी अपनी एक नई जर्नी शुरू की, तो बेहद में क्या होगा किसी भी चीज़ की तरफ अटैचमेंट नहीं रहेगी। वो कब होगा जब फिजिकल से बियॉन्ड जाते हैं, तो जितना जितना फिजिकल के बियॉन्ड, देह से बियॉन्ड, तो देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह की सारी बातों से बियॉन्ड, परिस्थितियों से बियॉन्ड, तो क्या हो गया किसी भी चीज में वो मोह वाली फीलिंग नहीं, मतलब वो मेरापन नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा का तो कुछ है ही नहीं इस सृष्टि में। जैसे बाबा कहते भी है ना, नष्ट मोहा स्थिति में स्थित होना है। आज की बाबा की मुरली में भी बाबा ने यूज किया नष्ट मोहा स्थिति। तो वो जो नष्ट मोहा स्थिति है, बाबा उसी की कहीं बात कर रहा है कि पूरे मोह को, पूरे अटैचमेंट को खत्म करना है। पर फिर भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में हम अपनी बातों से या अपने व्यू पॉइंट से, अपने आप से, अपने संबंधों से कहीं ना कहीं अटैच्ड रहते हैं। तो वो स्थिति की अगर ऋतु बहन बात करें, तो बस एक छोटा सा उसके ऊपर अगर आप सॉल्यूशन बता दें, तो इसी के साथ आज का कन्वर्सेशन हम एंड करेंगे। जी, जैसे किसी भी अटैचमेंट से बियॉन्ड जाने के लिए, देखो अटैचमेंट किन चीजों से होती है ये सवाल अपने से पूछना बहुत जरूरी है। जैसे संबंधों की, अभी सपोज मैं आपसे कहूँ, एक बहुत छोटी सी प्रैक्टिस हम करते हैं सतनाम बहन की, सपोज है ना, आप अपने सामने देखिए एक दरवाजा है, ओके, आपने वो दरवाजा खोला और उस दरवाजे के अंदर, बहुत प्यार से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, उस दरवाजे के अंदर आपके इस जन्म के जो रिश्ते हैं, वो मतलब जो भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं, वो आपके सामने हैं, आपको देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। अब आप थोड़ा सा उस दरवाजे से बाहर आइए, दरवाजा बंद कीजिए और थोड़ा आगे बढ़ के देखिए, एक और दरवाजा है, जब आप उसको खोलते हैं तो ऐसे ही कुछ रिश्ते वहां देखे हमने। फिर जब वो दरवाजा बंद करके बाहर आए, तीसरे दरवाजे में वैसे ही कुछ रिश्तों को हमने अनुभव किया। ये क्या हो गया, इस लाइफ टाइम की अवेयरनेस से बियॉन्ड, बेहद में जाकर, क्योंकि मुझ आत्मा का बेहद अवेयरनेस मीनिंग मुझ आत्मा ने लंबी जर्नी तय की है। सपोज मुझे यहाँ से मुंबई से कश्मीर जाना है, तो मैं क्या करूँगी, मुंबई से सपोज मैंने दिल्ली की फ्लाइट ली, दिल्ली से फिर मैंने श्रीनगर की फ्लाइट ली, फॉर एग्जाम्पल, ओके। अब इस जर्नी में सपोज मुंबई से दिल्ली में बहुत सारे को पैसेंजर्स रहेंगे, लेकिन हम अटैच नहीं हो जाते हैं को पैसेंजर्स के साथ, हमें पता है वो तो अपने रास्ते पे जाने ही है। उसी तरह से इस जर्नी में जो को पैसेंजर्स हैं, उनके साथ हम जर्नी एंजॉय करेंगे, लेकिन जितना जितना सोल की अवेयरनेस में होंगे, उतना उतना वो, क्योंकि आत्मा क्या है, आत्मा तो ट्रैवलर है, वो जर्नी पे है, आत्मा अपनी यात्रा पर है, तो क्योंकि यात्रा पर है तो उसमें फिर हम अपने को पैसेंजर से, अपनी सीट से, फ्लाइट में मिलने या यू नो जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं उन चीज़ों से, उन यू नो साधनों से हम अटैच नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बेहद की अवेयरनेस आ गई, मैं आत्मा जो लंबी यात्रा पर हूँ। तो जितना जितना हम हद की बातों से बियॉन्ड मीनिंग बेहद की बात, बेहद मीनिंग सोल अवेयरनेस, वो अवेयरनेस को जितना क्रिएट करते हैं, अटैचमेंट को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, अटैचमेंट धीरे धीरे आप पे छूटती जाती है। क्यों? क्योंकि आई एम नॉट अवेयरनेस, ये रिश्ते हैं ना वैसे ही वो रिश्ते हैं, लेकिन उन रिश्तों को तो छोड़ के मैं आत्मा इस जन्म में आई हूँ ना, और अब तो यहाँ कंफर्टेबल हूँ, तो आगे की जर्नी में भी ये है तो हम उनसे प्यार से रहें। को पैसेंजर्स हैं, देखिए फ्लाइट में हम किसी से मिलते हैं तो हम कितना प्यार से उनको देख के मुस्कुराते हैं, विश करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये मुझसे ही बात करें या एयर होस्टेस से या किसी से बात नहीं करें या ये नहीं करें, हम नहीं सोचते हैं, बिकॉज मेरापन नहीं है। तो बाबा बस ये कहता है कि भले ट्रैवल करो सबके साथ, लेकिन वो अवेयरनेस के साथ कि मेरा है ये नहीं, क्योंकि सच में तो मेरा है ही नहीं ना कुछ इस सृष्टि पर, तो एक्चुअली मेरा कुछ भी नहीं है, देह भी विनाश। आई थिंक ये एक पॉइंट याद रखे तो बहुत सेटल हम लोग मोह से निकल पाएंगे, क्योंकि ये चीज मैंने अपनी लाइफ में भी प्रैक्टिस की है कि जब भी मैं किसी चीज को मेरेपन से जोड़ती हूँ तो वो स्वार्थ आ जाता है कहीं ना कहीं कि नहीं ये चीज मेरी है तो ऐसा होना चाहिए। इवन कोई इच्छा भी अगर ऐसी आती है कि नहीं ये चीज ऐसी होनी चाहिए, तो उससे भी अटैचमेंट हो जाता है। और जहां पर हम इस भाव को ले आते हैं कि नहीं सब बाबा का है
और बाबा का ड्रामा जब याद करते हैं तो धीरे धीरे स्थिति हमारी जो है वो नष्टमोह की तरफ जाने लगती है। तो आज का वरदान भी बाबा ने बहुत सुंदर दिया और ऋतु बहन आपने भी बहुत अच्छे से आज मुरली को एक्सप्लेन किया। ऐसे ही अगली बार हर रविवार को हम मुरली स्टडी सभी के लिए लेके आएंगे। आशा करते हैं सबको हमारी आज का डिस्कशन पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगली बार फिर मिलेंगे ऋतु बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सतनाम बहन। ओम शांति।